वो चाहते कहाँ गई। अब मैं दावत कलाम देता हूँ मलक सफवान साहब। मलक सफवान साहब प्लीज शिफ्ट करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक लंबे अरसे के बाद उस हस्ती के सामने कुछ पढ़ने को पढ़ने की सआदत मिल रही है, जिनको देखकर या जिनका पहला अपनी ज़िंदगी का पहला मुशायरा सुनकर खाकसार की तवज्जो उर्दू अदब की तरफ और शायरी की तरफ हुई। तकरीबन आज से 35 साल पहले की बात है। मैं इतना भी बुढ़ा नहीं है। आज से 50 साल पहले भी मैंने आपको ऐसी देखा था। सही है। गालिबन 1988 या 99 का था और 88 या 89 में और मुबारक आबद साहब का मुशायरा हुआ डॉक्टर नसीर खान साहब के घर में, वो मैंने सुना था पहला। और उसके बाद ये हसरत रही कि इनकी शागिर्दी इख्तियार की जाए और खाकसार कॉलेज जाने की बजाय जामिया में चला गया और उससे महरूम रहा। 2008 या 9 में मुबारक आबद साहब के दो बेटे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तारक और कमर फरहान, वो तो आया हुआ वो बात। जी जी, मुलाकात होगी। और मैंने सोचा कि कोई एक गज़ल या एक नज़्म सर की खिदमत में पेश करके इनकी इस्लाह ले ली जाए और कम से कम ये तो बंदा कह सके कि मैंने इनसे इस्लाह ली है, ये मेरे उस्ताद हैं। तो नज़्म जी अभी ना सुना लेने नहीं सुन ले अच्छा। तो एक नज़्म जो अभी मैं पेश करूँगा ये मैंने लिख के तो सर की खिदमत में पेश की, तो इन्होंने बड़े कमाल शफकत से उस पर तहरीर फरमाया कि माशाल्लाह ये एक शायर की मुकम्मल काविश है, इसे किसी तसहीह की ज़रूरत नहीं, अल्लाहुम्मा ज़िद व बारिक। और नीचे वो जो साहब बैठे हुए हैं कमर फरहान साहब, इन्होंने एक लाइन खींची और लाइन खींच के लिखा नोट कि वालिद साहब की इस राय से मेरा मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं। तो वही नज़्म मैं पेश करता हूँ कि सर्द रातों में रिदाए आरजू ओढ़े हुए, बहुत सर्द रातों में रिदाए आरजू ओढ़े हुए, सरबराहना दिल शकस्ता जाम को तोड़े हुए। सर्द रातों में रिदाए आरजू ओढ़े हुए, सरबराहना दिल शकस्ता जाम को तोड़े हुए, अब दिए जलते कहाँ हैं मंदिरों में याद के, अब दिए जलते कहाँ हैं मंदिरों में याद के, काश वो आकर कहें लो आज हम तेरे हुए, काश वो आकर कहें लो आज हम तेरे हुए, कुछ खुदा खौफी करो अहले वतन पर दोस्तों, कुछ खुदा खौफी करो अहले वतन पर दोस्तों, अब खड़ा भगवान भी यूं हाथ है जोड़े हुए, अब खड़ा भगवान भी यूं हाथ है जोड़े हुए, कोई तो हाथों में ले इंसानियत का ये अलम, काश लौट आए सभी ईमान से दौड़े हुए, कोई तो हाथों में ले इंसानियत का ये अलम, काश लौट आए सभी ईमान से दौड़े हुए, बेगुनाहों के लहू का कौन देगा अब हिसाब, बेगुनाहों के लहू का कौन देगा अब हिसाब, खिताए अर्ज़े वतन पर कत्ल जो मेरे हुए, बेगुनाहों के लहू का कौन देगा अब हिसाब, खिताए अर्ज़े वतन पर कत्ल जो मेरे हुए, और क्या बयान निशां होगा तुम्हारे वास्ते, और क्या बयान निशां होगा तुम्हारे वास्ते, अब तो मुद्दत हो गई है मायदा खाते हुए, और क्या बयान निशां होगा तुम्हारे वास्ते, अब तो मुद्दत हो गई है मायदा खाते हुए, अब खिलाफत ही मुकद्दर है तुम्हारा दोस्तों, अब खिलाफत ही मुकद्दर है तुम्हारा दोस्तों,
क्या भला जी पाओगे इस फैज को छोड़े हुए। अब खिलाफत ही मुकद्दर है तुम्हारा दोस्तों, क्या भला जी पाओगे इस फैज को छोड़े हुए। कब के मिट जाते हम अपने आप से लड़ते हुए, कब के मिट जाते हम अपने आप से लड़ते हुए। करना होती ये खिलाफत यूं हमें जोड़े हुए, करना होती ये खिलाफत यूं हमें जोड़े हुए। और दस्त बस्ता अब दरे मौला पे हूं मैं मुल्तजी, दस्त बस्ता अब दरे मौला पे हूं मैं मुल्तजी। हूं खिलाफत का ये साया हम सभी ओढ़े हुए।